ठीक ही है, कुछ ज्यादा खास नहीं है, और वो वाओ इम्पैक्ट नहीं है, ओके ओके सी है। एक तो पता नहीं क्यों मैं धूप को बार 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 नहीं बार बार क्यों अंडर एस्टिमेट कर जाता हूँ। मैंने अभी नोटिस करा, तौलिए का रंग और मेरी टी शर्ट का रंग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही था, जेड़ा भी मैंने सूखने डाला। हाँ तो मैं ये कह रहा था, मेरे को ये नहीं समझ में आता, मैं पता नहीं क्यों धूप को बार बार अंडर एस्टिमेट कर जाता हूँ। मतलब अभी जब मैं बाहर तौलिया जाने डालने गया ना, सीधा धूप मेरी आंखों में पड़ी एंड भाई मेरी आंखें इतना गंदा चौंधगी, इतना ज़्यादा कहने की हद नहीं, मतलब ऐसी की तैसी फिर गई भाई। एक सेकंड को तो ऐसा लगा कि मेरे को कुछ दिख नहीं रहा, बट चलो कोई ना, जैसे तैसे करके अपन लोगों ने तौलिया सूखने डाल दिया। और हाँ, कल का ब्लॉग भी मैं एक बढ़िया से नोट पे एंड नहीं कर पाया था, वो इसलिए क्योंकि भाई कल खा पी के इतनी ज़्यादा सुस्ती चढ़ी कि मैंने ब्लॉग की एंड स्क्रीन भी नहीं लगा पाया सही तरीके से। बट चलो कोई ना, चलता है, इतना तो लग स्क्रीन कर ही लोगे। बट एनीवेज, सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वेलकम है आपको एक बार फिर से मेरी दुनिया में। कल से बहुत 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 ही ज्यादा बढ़िया। अब सोच तो मैं ये रहा था कि आराम से घास पे लेट के शॉट लूं जो नेक्स्ट फ्रेम अभी ये वाला चल रहा है, बट ना भाई, पीठ पूट गंदी हो जाएगी। वैसे भी अभी आप लोगों ने थोड़ी देर में मार्केट जाना है। खैर, अभी जो आप लोगों का नहान धो तो एकदम बढ़िया तरीके से कम्प्लीट हो चुका है, सिर्फ अपन लोगों का माथा टेकना रहता है। तो फटाफट चल के माथा टेकते हैं एंड फिर उसके बाद देखते हैं कितनी देर तक अपन लोग मार्केट निकलते हैं, मार्केट के छोटे मोटे सारे काम निपटाने के लिए। एंड उसके बाद घर आके भाई ब्रेकफास्ट भी करना है, क्योंकि कल तो इतना रात को बढ़िया बढ़िया खा लिया, मेरे को नहीं लगता है ब्रेकफास्ट में उतना बढ़िया खाना मिलेगा। वैसे मैंने एक चीज़ तो देख ली भाई, मतलब बाहर आके ना आंखों को ठीक होने में कम से कम आधा पौना घंटा लग जाता है। अभी आधा पौना घंटा ना मेरी कल के एग्जाम के बाद में डिस्कशन हो रही थी मेरे दोस्त से, एंड वही भाई मैं कुछ करने को था नहीं तो वही डिस्कशन करता रहा आराम से आराम से आराम से। एंड अब जाके भाई मेरी आंखों को शांति, वो शांति जो जरूरत थी वो मिली। क्या अभी करो सिंकुश इस प्रकार है, अभी मार्केट के प्लान हल्के से ड्रॉप हो चुके हैं, बट अपन लोगों ने जाना है बैंक, छोटे मोटे काम है वो निपटाने। वैसे भी मंथ की स्टार्टिंग तो हो ही गई है, तो भाई ये काम तो आ ही जाते हैं। तो फटाफट चलते हैं, चल के बढ़िया तरीके से काम निपटाते हैं एंड उसके बाद घर आके अपना बढ़िया सा डिनर करते हैं। एंड मैं कल के ब्लॉग में तुम लोगों को एक चीज, सॉरी, बढ़िया सा ब्रेकफास्ट करते हैं। अपन है ना, बस हल्का सा ऐसे ही इशारा करें कि ब्रेकफास्ट का टाइम है, वो दिमाग में क्लिक कर गया। एंड मैं तुम लोगों को कल दिखाना भी भूल गया था कि मम्मी ने क्या बनाया था खाने में जिसके लिए मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड था, तो वो भी तुमको घर चल के दिखाऊंगा। तो ये देखो भाई, ये है वो चीज़ जिसके लिए कल रात को मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड था। देखने से तो ये बिल्कुल बटर चिकन लग रही है, बट ना भाई, ये बटर चिकन की शेप में चाप है। मतलब टेक्निकली अपन लोग इसको वेज बटर चिकन कंसीडर कर सकते हैं। देख के तो भाई क्या ही ज़्यादा मस्त लग रही है ये। कल रात को बाहर का खाना आ गया था, तो इस करके अपन लोग इसको अच्छे से इन्जॉय नहीं कर पाए थे, बट आज अपन लोग इसको अच्छे से इन्जॉय करेंगे। एंड साथ में है बूंदी का रायता, एंड वैसे अपन लोग बैंक का काम निपटा के घर तो वापस आ ही चुके हैं। जो गलती मैंने आज अपनी ज़िंदगी में करी है ना, वो ना तुम लोग कोशिश करना भी तुम में से कोई कभी ना करे। भाई मेरे ना एग्ज़ाम का ना एक सिनेरियो होता है कि अगर मैं ये पढ़ने लगूँ ना, तो मेरे को ना अनकंफर्टेबल कपड़े डालने होते हैं, जैसे जीन हो गया, टी शर्ट, टाइट शर्ट की, ताकि ना पढ़ाई पे फोकस ध्यान अच्छा रहे। मैंने खुली डुली, मेरे पास ना 10 टी शर्टें हैं जो मैं रात को डाल के सोता हूँ अनकंफर्टेबल रहने के लिए सोता हूँ। हम लोगों ने बार बार देख रखी होंगी, जिन में फटी पुरानी टी शर्टें हैं। एंड भाई मैंने ये डाल ली, शॉर्ट्स डाल ली, सो गया। फिनिश एंड फर्ब के 10 एपिसोड देखने के बाद मैं सो गया, मैं कहा मैंने नहीं पढ़ना पूर्णा। एंड अब कल मेरा काफ़ी डिफिकल्ट एग्जाम है जिसकी मेरी बिल्कुल भी तैयारी नहीं। तो प्लान ऑफ एक्शन ये है, कल जब कॉलेज जाऊंगा ना, वहां जाने से पहले शुरू करूंगा। बट ऑन द अदर हैंड, आज के दिन एक बहुत बढ़िया चीज हुई कि अपन लोग मैगी का कोई नया फ्लेवर लेके आए हैं, स्पाइसी मंचूरियन करके। अब भाई मैगी भी इतने नए नए फ्लेवर्स निकाल रहा है, तो खाना तो बनता है ही है, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे 20 रुपए का टिड्कू सा पैकेट है, 20 रुपए के पर हम मैगी कितनी सारी ले आए। फटाफट चलते हैं इसको बनाते हैं, क्योंकि भाई भूख बहुत ज्यादा लग रही है। फिर देखते हैं, अगर हो पाए ना तो रात में पढ़ लूंगा, बट उस करके ना ये ब्लॉग छोटा बन सकता है, क्योंकि पढ़ाई भी कहीं ना ब्लॉग की इक्वली प्रायोरिटी है मेरी।
एंड भाई आज ना मैं फिर से यही वाला ही पैन यूज करने जा रहा हूँ जो उस दिन पलट गया था। अब भाई बस आज ना पलट जाए क्योंकि बहुत उक्का हो जाएगा। एंड हमारी दीदी इतने ज्यादा चुस्त है ना, इतने ज्यादा चलाकर उन्होंने पहले अपने लिए वाला पैन बुक कर दिया। अब भाई मेरे को हल्की हल्की टेंशन तो हो रही है कहीं गर्म पानी मेरे ऊपर ना गिर जाए। मतलब वो लोग ध्यान रखेंगे, पूरी पूरी कोशिश करेंगे ध्यान रखने की। कभी कभार तो मेरे को पता क्या लगता है भी, रोज व्लॉग अपलोड करने की जाना, हफ्ते में एक बार ही व्लॉग अपलोड करूं, बट वो ना सिर्फ और सिर्फ फूड व्लॉगिंग से रिलेटेड करूं, क्योंकि भाई खाने से अपने को ऑब्सेशन इतनी ज़्यादा है। नहीं, मैं 3-4 बार ही व्लॉग में बता चुका हूं, बट चलो कोई ना, अभी जो है अपने लोगों की मंचूरियन मैगी बनकर तो तैयार हो चुकी है। 10 रुपये वाले पैक में अपने को घंटा कुछ नहीं मिला, क्योंकि ये सिर्फ टेस्ट के लिए, अगर अच्छी लगेगी तो फ्यूचर में इसका बड़ा पैक आएगा, अदरवाइज कुछ नहीं आएगा। एंड भाई मेरे को नहीं लगता मेरे को टेस्ट में अच्छी लगेगी, क्योंकि कोशिश तो अच्छी करी है बनाने की, बट खुशबू से पता लग जाता है और शक्ल भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, तो ठीक है करके देखते हैं टेस्ट, क्या पता अपने को अच्छी लगे। लुक्स आर ऑलवेज सब्जेक्टिव। ठीक है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है और वो वाओ इम्पैक्ट नहीं है। ओके ओके सी है, तो चलो अभी अपन लोग बाहर ही चलते हैं, बाकी घर वालों के साथ ही चल के बैठते हैं, क्योंकि यहाँ अकेले बैठने का तो कोई फायदा नहीं भाई।